अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ यखनी पुलाव बना रही हूँ। यकीन जानिए इसका टेस्ट बिल्कुल शादियों वाला, दावतों वाला होगा। लेकिन इसको देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैंने इसके लिए गोश्त लिया है बीफ का, छोटी छोटी बोटियां मैंने उसकी कर ली हैं जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त लिया है और इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बता दूं। जो साबुत मसाले जाएंगे यखनी बनाने के लिए, इसमें साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून, सौंफ 1 टेबलस्पून है, दालचीनी की 3-4 डंडियां हैं, 10-12 काली मिर्च साबुत हैं, लौंग 5 से 6 हैं, जायफल और जावित्री 1/2 टीस्पून ले लीजिए पाउडर, और 1 बड़ी इलायची है, तेज पत्ते हैं 2 बड़े साइज के, और अगर छोटे हैं तो 3-4 ले लीजिए, और इसमें नमक जाएगा 2 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिए जितना डालना चाहते हैं। और बाकी क्या चीजें जाएंगी इसमें मैं दूंगी, लहसुन मैंने 3 डलियां ली हैं बड़े वाली जो पूरी साबुत हैं वो ली हैं, और मैंने इसमें 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, और अदरक का 2-3 इंच का टुकड़ा लिया है, उसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और 1 बड़े साइज की प्याज लेके उसको रफली चॉप कर लिया है, और पानी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है, अंदाजन पानी ले लीजिए, तकरीबन आप इसमें 3-4 गिलास पानी ले लीजिए, 4-5 गिलास पानी ले लीजिए, और मैंने उसको पहले से चूल्हे पे रख दिया था ताकि गर्म होगा तो वो जब हम उसमें गोश्त डालेंगे तो वो फौरन से प्रोसेस कर देगा, और उसके बाद मैंने मसाले तैयार करना शुरू किए। अब मैं इसके अंदर जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो सारे डाल दूंगी यखनी बनाने के लिए, और लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च ये भी मैं साथ ही डाल दूंगी, और इसको हम ढक के तकरीबन आधे से ज्यादा गोश्त गल जाए तब तक के लिए इसको पकाएंगे, और हमारी यखनी जो है वो तकरीबन आधी रह जाए। जैसे आपने 5 गिलास पानी डाला है यखनी बनाने के लिए तो तकरीबन 2.5 गिलास रह जाए, 2.5 से 2 गिलास रह जाए, और आपका गोश्त आधे से ज्यादा गल जाए। अब जो है हम चावल की तैयारी शुरू करेंगे। दूसरी पतीली में मैंने तकरीबन 200 ml ऑयल लिया है, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब मैं इसको हल्का सा फ्राई करूंगी। आप ऑयल अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन पुलाव में ऑयल थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगता है। और अब इसमें जो मैं मसाले डालूंगी मैं आपको बता दूं, जीरा मैंने इसमें 1.5 टीस्पून लिया है, बड़ी इलायची 1 ली है, 10-12 लौंग ली हैं, 1 बादियान का फूल, 5 इलायची हरी वाली, और 10-12 काली मिर्चें, और 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगी। पहले मैंने जीरा डाला है, जीरा डाल के उसको मैं 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लूंगी, भून लूंगी, फिर बाकी के मसाले डालूंगी। मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि मैंने वो जो यखनी है उसमें से गोश्त को, यखनी तैयार हो गई तो मैंने यखनी को छान के अलग कर लिया है और गोश्त की बोटियां अलग कर ली हैं, तो अब मैं गोश्त की बोटियां इसमें डाल के 4-5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद मैंने जो इसमें लहसुन की डलियां यखनी में से निकाली थी उनको दबा के इनका पेस्ट जो है इसमें से अच्छे से निकाल लूंगी ताकि वो जाया ना जाए, और इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पुलाव में कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितना मजे का टेस्ट आता है, तो ये जरूर निकाल लीजिएगा, इसको जाया मत कीजिएगा। और फिर हम इसको अच्छा सा भून लेंगे, अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। फिर मैं इसमें 200 ग्राम दही डालूंगी और इसको पानी खुश्क होने तक फ्राई करूंगी। हमने इसको फ्राई कर लिया है, दही का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 प्याज मैंने फ्राई कर ली थी और 4-5 हरी मिर्चों को हाफ करके डाल दिया है। 2 बड़े साइज की प्याज को फ्राई कर लिया था, आधे से ज्यादा मैंने डाल दी है, थोड़ी सी मैंने दम के लिए बचा ली है, और इसको हम अच्छा सा भूनेंगे। अब जो है मैंने चावल इसके लिए लिए थे तकरीबन 3 गिलास, तकरीबन 3 पाव चावल 3 गिलास। अगर 3 गिलास चावल आप ले रहे हैं तो आपको 4.5 गिलास पानी डालना है। आप अपनी यखनी को मेजर कर लें, यखनी नाप लें, जितनी यखनी है
और बाकी उसमें पानी ऐड करके यखनी और पानी टोटल 4.5 गिलास होना चाहिए वो इसमें डाल दीजिए। जब उबाल आएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। आप सेला या बासमती कोई से भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पुलाव में बासमती चावल का टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है। उसको आधे से एक घंटे के लिए आप भिगो लें और फिर आप चावल जब उबाल आ जाए तो आप चावल उसमें डाल दें। सेला है तो आपको 1.5-2 घंटे के लिए भिगोने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप नए पकाने वाले हैं तो आप सेला चावल यूज कीजिए क्योंकि उसके टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। लेकिन इसको भी आप बासमती को भी आप एहतियात से अच्छे से पकाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। तो पानी जो है बहुत थोड़ा सा इसमें रह जाए, तकरीबन खुश्क हो जाए, तब तक के लिए हम इसको पकाएंगे। तकरीबन 1/4 कप मतलब इसमें चावल में नमी रहनी चाहिए, बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए, तब तक के लिए हम इसको पकाएंगे। फिर हम इसको दम पे रखेंगे। बाकी की जो प्याज मैंने बचाई थी मैं ऊपर से वो छिड़क दूंगी और पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से छिड़कूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून। आपको जायका ज्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज्यादा छिड़क लीजिए, कम पसंद है कम डाल लीजिए, ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और दम जल्दी आने का एक टिप है कि आप अपना किचन टॉवल या किचन का कपड़ा जो है वो लगा के दम लगाएंगे तो जल्दी आएगा। देखिए पुलाव में अक्सर लोग ज्यादातर जो है फूड कलर नहीं डालते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्का सा डालती हूँ, उससे बहुत अच्छी शक्ल बहुत अच्छी लुक आती है और आपका पुलाव जो है वो देखने में पुलाव बिरयानी लगता है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है, टेस्ट देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहते नहीं डालें। और इस तरह से आप कोई कपड़ा लगा के और फिर ऊपर से ढक्कन लगाएं और दम लगाएं तो आपका दम बहुत जल्दी आ जाएगा। 2-3 मिनट तेज आंच पे दम दें, उसके बाद 5 मिनट इसको हल्की हल्की लो फ्लेम कर दें। तकरीबन 10 मिनट में, 8 से 10 मिनट में आपका दम आ जाएगा। कपड़ा लगाने से दम बहुत जल्दी आता है, तो आप अपने चावल मिक्स कर लीजिए। 1/2 से ज्यादा बोटियां हमने जो है वो यखनी में पका ली थी, 1/2 से ज्यादा तकरीबन 70% जो है 60-70% यखनी में गल गई थी। बाकी जो है जब चावल पकेंगे तो चावल के साथ पक जाएंगी। और बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बोटियां होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए, तोड़ते हुए जान ना लगे। आप देख सकते हैं चावल कैसे खिले खिले अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त लग रहा है हमारा बीफ यखनी पुलाव। ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है, खाने में इससे भी ज्यादा मजे का होता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, यकीन जानिए मैं आपको गारंटी देती हूँ, इसका टेस्ट बिल्कुल शादियों वाला दावतों वाला पुलाव वाला टेस्ट होता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।